कृषि सुधार विधेयक 2020 के पक्ष में उतरते हुए जिला किसान मोर्चा द्वारा सोमवार को चंबा में प्रेस वार्ता कर इस बिल का विरोध करने वाले संगठनों को किसान विरोधी बताया। इस दौरान उन्होंने कृषि सुधार विधेयक 2020 के प्रावधानों बारे जानकारी देते हुए भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार किसानों के हित के लिए कई कदम उठा रही है, इसी के तहत किसानों के हित में इस कृषि सुधार विधेयक को लाया गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के कृषि मंत्री का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने कृषि सुधार विधेयक 2020 दोनों सदनों में पारित करके इस देश के किसानों की लंबे समय से चल रही मांग को पूरा किया। इतिहास में पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने 2019 में गरीब किसानों के लिए किसान सम्मान निधि 3 किस्तों में 2,000 रुपये जारी करके देश के 10 करोड़ गरीब किसानों के खाते में ये राशि जारी की। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा हिमाचल प्रदेश इस ऐतिहासिक कदम के लिए भी देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। आज विपक्ष बौखला गया है, कोई मुद्दा नहीं बचा है और उनके प्रधानमंत्री राजीव गांधी मंच से कहते थे कि हम केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं और गांव तक जाते जाते किसान तक पहुंचते पहुंचते मात्र 16 पैसे पहुंचते, तो ऐसी व्यवस्था इस देश की थी, किसानों की दुर्दशा थी। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में गरीब किसानों के लिए पहली बार, जो मैंने कहा किसान सम्मान निधि के नाते 6,000 रुपये जारी किया और सीधा सबके खाते में 6,000 रुपये ही पहुंचा, 1 रुपये का भी करप्शन नहीं, बिल्कुल पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी इन सिस्टम। आज देश के अंदर वो बिचौलिए और वो कांग्रेस के कुछ लोग मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनको लगता था कि 84 पैसे जो यूज करते थे बीच में गरीब किसानों के, देश की गरीब जनता के, आज वो लोग बौखलाए हैं। देश का किसान सभी माननीय मोदी जी के साथ हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ हैं इस बिल के ऊपर। कितना सुधार करके जो वर्षों से मांग थी और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में घोषणा की थी कि 2022 तक हम इस देश के गरीब किसान की आय दोगुनी करेंगे, उसका लागत मूल्य कम करेंगे, मंडियों का विस्तारीकरण करेंगे और नई पद्धति और उन्नत किस्म के बीज देकर किसान की आय को बढ़ाने के लिए नए प्रयास किए जाएंगे, ऐसी घोषणा मोदी जी ने की थी। और उनके ऐतिहासिक कदमों का ही कृषि के क्षेत्र में विकास के लिए फैसलों का ही परिणाम था कि 2019 में उनके नेतृत्व में फिर से सरकार बनी, देश का सारा किसान मोदी जी के साथ खड़ा हो गया। आज विपक्ष का, मैंने कहा है, मोदी जी ने कहा है कि जो किसान के रास्ते में जो भी मुश्किल आएगी, जो मीडिएटर्स इस सारे पैसे का यूज करते थे, वो बर्दाश्त नहीं होगा, कृषि का लाभ किसान के विकास के लिए होगा। हिमाचल प्रदेश में भी जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में कृषि के विकास के लिए कई ऐतिहासिक फैसले हुए हैं। पहली बार मुख्यमंत्री जी ने 197 करोड़ की कृषि विकास के लिए और कृषि मंडियों के विकास के लिए योजनाएं शुरू की हैं। मैं भी उस कार्यक्रम में था, किसान मोर्चा हिमाचल प्रदेश ने कई मांगे उठाई थी। हिमाचल प्रदेश में आज तक कोई भी सरकारी सीए स्टोर नहीं था, हमारे शिमला के, किन्नौर के, सिरमौर के सभी किसान और बागवान मांग करते थे, हमने भी कई बार ज्ञापन दिया था। पिछले महीने ही सितंबर में शुरू में ही मुख्यमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश में पहला सीए स्टोर खुलेगा, उसके लिए 25 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है। ये पहली बार इस क्षेत्र में सरकार ने कदम उठाया है। हिमाचल प्रदेश में कृषि को मनरेगा के साथ जोड़कर रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं, इसके लिए भी किसान मोर्चा ने, किसान प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से और कृषि मंत्री से मांग की थी।
और हमारी इस मांग को भी पूरा कर लिया गया है। पहली बार हिमाचल प्रदेश में कृषि को मनरेगा के साथ जोड़ा गया है। हमारे जनजातीय क्षेत्र पांगी, लाहौल, भरमौर और किन्नौर के क्षेत्रों में केसर और हींग की खेती शुरू की जाएगी। इसके लिए भी बजट का प्रावधान पहली बार हमारी सरकार ने किया है ताकि हमारे प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के किसान और बागवानों की आय बढ़ाई जा सके। पहली बार प्रोसेसिंग यूनिट की बात लंबे समय से जिला सोलन में उठी थी और हमारे प्रतिनिधि वहां से भी भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और कृषि मंत्री जी से भी मिले और उस मांग को भी पूरा कर लिया गया। उसके लिए लैंड अलॉट हो गई है और उसके लिए पैसे भी स्वीकृत किए गए हैं। तो इस तरह टोमेटो के लिए भी प्रोसेसिंग यूनिट जो कृषि के विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए एक आवश्यक कदम था, वो भी हमारी सरकार ने मान लिया है। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना यानी प्रदेश में जहर मुक्त खेती करने के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 25 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। हमारे कृषि बागवानी के क्षेत्र में भी जहर मुक्त खेती हो, प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए हमारे प्रदेश में इस तरह का कदम उठाने वाली सरकार ने पहली बार ये प्रक्रिया शुरू की है। उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी, किसान मोर्चा, प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हैं। और पहली बार सरकार ने इस तरह खेती को बढ़ावा देने के लिए हमारे लिए हिमाचल प्रदेश में हमने कहा कि अगले 4 महीनों में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा किसानों की जानकारी करने के लिए इस तरह के 100 कैंप पूरे हिमाचल प्रदेश में लगाएंगे जिसमें कृषि और बागवानी को जहर मुक्त किया जा सकता है। ये कदम भी उठाया जाएगा। संगठन के नाते भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा हिमाचल प्रदेश हर बूथ के ऊपर, अभी जो हमने पत्रक जिसमें हमने बताया कि इसमें पूरी जानकारी है इस कृषि सुधार विधेयक 2020 की, ये 2 लाख पत्रक हम गांव-गांव में जाकर बूथ स्तर पर बांटेंगे और पूरी जानकारी किसानों और बागवानों को इस विधेयक के बारे में देंगे और 2 लाख किसानों और बागवानों के हस्ताक्षर करके हम माननीय मोदी जी का धन्यवाद करेंगे कि ऐसा ऐतिहासिक फैसला लेकर कृषि के विकास के लिए और किसानों के विकास के लिए उन्होंने जो कदम उठाया है। और हर बूथ के ऊपर 15 किसान प्रहरी जो प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं को गांव तक ले जाएंगे और वहां पर जो किसानों और बागवानों की समस्याएं हैं उनको प्रदेश सरकार तक पहुंचाएंगे। इस तरह की योजना पूरे हिमाचल प्रदेश में हम 1 लाख किसानों को भारतीय जनता पार्टी के साथ भाजपा किसान मोर्चा जोड़ेगा। ये संगठनात्मक अभियान भी युद्ध स्तर पर शुरू किया जा चुका है और आज चंबा में भी हमारे जिला के यहाँ के किसानों के प्रतिनिधि, किसान नेता आज बैठकर इस जिला के अंदर भी हमारी सारी योजनाओं को और संगठन के काम का विस्तार कैसे किया जाए इसको लेकर विस्तृत चर्चा की जाए। लगभग हमारे 80% लोग कृषि और बागवानी के साथ जुड़े हैं। अच्छा नहीं है आपके पास, इसलिए 80% बताया आप पॉपुलेशन में कर लिए कि हमारे 50 से 60 लाख जो लोग हैं वो कृषि और बागवानी के साथ जुड़े हैं। और हमने पहली बार इतिहास में हमारे यहाँ भी हमने हर विधानसभा में 8 से 10 हजार किसानों को किसान सम्मान निधि, जो उनको चाहे उन्नत बीज खरीदना है चाहे कृषि के विकास के लिए, पहली बार 6-6 हजार रुपया हमने मांग की थी केंद्र सरकार से, लंबे समय से मांग थी और उसको पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 2019 से शुरू किया है और इस वर्ष भी किस्त जारी हो गई है किसानों के लिए।